ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें, क्योंकि तभी यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक सत्संग को भेजेगा। ठीक है संगत जी, और आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग। और मैं वैसे भी ये चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि बेटियाँ गुरुजी की बहुत लाडली होती हैं, गुरुजी उनका हमेशा से ही ख्याल रखते हैं। और ऐसे ही बहुत प्यारा सा सत्संग है, गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड बेटियाँ हैं दिल्ली से, विशाखा आंटी जी ने, हाँ जी। और आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से विशाखा आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने आज फिर से मुझे अपना सत्संग शेयर करने की प्रेरणा दी है। जय गुरुजी नारंग अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी के साथ आज अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इस चैनल पे अपना पहले भी दो छोटे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज फिर से मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के साथ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम विशाखा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं मार्च 2019 में पहली बार शिरडी साईं बाबा के दर्शनों के लिए गई थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये सत्संग में आगे आपको पता चलेगा। तब मैं जॉब करती थी। शिरडी से वापस आने के बाद मेरी एक कलीग ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी मम्मी छतरपुर में किन्हीं गुरुजी के आश्रम में जाती हैं, वो मंदिर बहुत सुंदर है और गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, पर मंदिर में अक्सर लोगों को उनके दर्शन या उनके होने का एहसास होता है। तो मैंने कहा अगर कभी तुम जाओ तो बताना, मैं भी चलूँगी। ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था गुरुजी के साथ। उसके बाद हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर जब 2020 में लॉकडाउन लगा तब मेरी बड़ी बहन जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में रहती हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उनको गुरुजी के बारे में मेरे भाई जो कि दिल्ली में ही रहता है उसने और उनकी एक फ्रेंड ने बताया था। दीदी ने मुझे एक दो सत्संग भेजे और कहा कि ये सुनो। मैंने सुना, अच्छा लगा, परंतु मुझे उन दिनों में भी ऑफिस जाना पड़ता था इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन ऑटो में ऑफिस जाते वक्त ऑटो वाले ने अचानक कहा कि ये जो गाड़ियाँ जिन पर गुरुजी लिखा होता है ये लोग बड़े बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं। तब भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी तरह लॉकडाउन में भी ऑफिस जाती रही और जब भी वक्त मिलता सत्संग भी सुनती थी। संगत जी, अब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो सत्संग सुन रही हूँ ये उन्हीं गुरुजी के बारे में है जिनके बारे में मेरी कलीग ने मुझे बताया था। संगत जी, पूरे लॉकडाउन में मैं ऑफिस जाती रही पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोरोना का कोई असर नहीं हुआ। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं गुरुजी की मेरे पास और 1 बेटा। किन्हीं कारणों से मेरी शादी कई साल कोशिश करने के बाद भी नहीं चल पाई और 2012 में मैं अपने पति से अलग हो गई। तब से मैं ही अपने बच्चों को अकेले ही जॉब करके पाल रही हूँ। ये यूँ कहूँ कि गुरुजी के बच्चे उनकी ही मेहरबानी से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो संगत जी, नवंबर 2020 में जब हम सभी स्टाफ ऑफिस जाते थे तभी मेरे कंपनी के ऑनर को कोरोना हो गया। उनकी उम्र 70+ थी उस वक्त। अब हम सबको भी डर लगने लगा कि कहीं हमें भी बीमारी ना हो जाए। संगत जी, मेरे पास क्वारंटीन हो गए पर फिर भी उन्होंने ऑफिस बंद नहीं किया। अब हमें ये भी डर था कि अगर बॉस को कुछ हो गया तो उनकी फैमिली इस कंपनी को आगे नहीं चलाएगी क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा था। पर मैं तो अपने घर में अकेले ही कमाने वाली थी।
उस वक्त मेरी बड़ी बेटी 12th पास कर चुकी थी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे बॉस की अचानक से तबीयत खराब हो गई। ये बात है 13 नवंबर 2020 की और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब मुझे तो बहुत चिंता हो गई कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी अगर मेरी जॉब चली गई। और तब मैंने गुरुजी के सत्संग और भजन बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया। उस वक्त जैसे मुझे एकदम लगन लग गई थी गुरुजी से। मैं दिन भर ऑफिस में भी उनके शब्द और भजन सुनती रहती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता और उन दिनों मुझे ये भजन, ये मेरी अर्जी है मैं वो हो जाऊँ जो तेरी मर्जी है, बहुत ही अच्छा लगता था। मैं इस भजन को बार बार एक ही दिन में कम से कम 10-12 बार सुन लेती थी। तभी संगत जी मेरी बड़ी बेटी जिसने ओपन से अपना ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया था, उसे कोई जॉब के बारे में पता चला और उसने उसके लिए इंटरव्यू दे दिया। इधर 16 नवंबर 2020 को मेरे बॉस एक्सपायर हो गए। जब हम 17 तारीख को ऑफिस गए तब हमें पता चला कि ऑफिस 3 दिनों के लिए बंद हो गया है। संगत जी उसी दिन 17 तारीख को मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी ऑफिस से वापस घर आकर मैंने रोते रोते ही अपनी बड़ी बेटी को बोला कि मुझे इसी वक्त बड़े मंदिर जाना है। मुझे रोता देखकर वो भी बहुत परेशान हो गई थी, तो उसने कहा ठीक है हम चलते हैं। वो मंगलवार का दिन था और वैसे भी कोरोना के कारण बड़ा मंदिर बंद था। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां बाहर सेवादार जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि आंटी यहीं से माथा टेक लो और मंदिर अभी बंद है। और हम बाहर से ही माथा टेक कर वापस आ गए। टेंशन तब भी थी कि अगर जॉब छूट गई अचानक से तो घर कैसे चलेगा। तो संगत जी अब गुरु जी की प्लानिंग देखिए, उन्होंने ये मुसीबत आने से पहले ही मुझे पूरी तरह से अपने से जोड़ लिया था। मुझे इन दिनों जैसे बराग लग गया था। मैं गुरुजी के सत्संग और भजन सुनती, उनसे बातें करती, अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करती। तभी नवंबर में ही के लास्ट वीक में मेरी बेटी ने जहाँ इंटरव्यू दिया था उस कंपनी से उसे कॉल आ गया कि आपने 1 दिसंबर से ज्वाइन करना है। और संगत जी उसे जो पहली सैलरी ऑफर हुई वो भी मेरी सैलरी के बराबर। यानी गुरुजी ने मेरी जॉब छूटने से पहले ही मेरे घर को चलाने का इंतज़ाम कर दिया। फिर हम दिसंबर 2020 में 2-3 बार बड़े मंदिर गए और संगत जी मेरी जॉब 31 दिसंबर 2020 को छूट गई और मेरी बेटी की जॉब 1 दिसंबर 2020 को ही लग गई थी। ये थी गुरुजी की प्लानिंग। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा और मेरी सारी टेंशंस गुरुजी ने खत्म कर दी। संगत जी फिर तो हम जनवरी 2021 में जब भी बड़े मंदिर दर्शन के लिए ई पास बुक करते गुरुजी हमें बुला लेते। संगत जी बड़े मंदिर जाकर इतना सुकून मिलता था जैसे लाइफ में कोई परेशानी हो ही ना। वहां जाकर जैसे हम जन्नत में पहुंच जाते थे। 1-2 बार जाने पर ही गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी और बेटे को ड्रीम दर्शन दिए और हमारी लाइफ अच्छे से कटने लगी। अब ये परिवार गुरुजी का परिवार है, वही इसके कर्ता धरता है। संगत जी उन्हीं दिनों सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी के डुगरी धाम के बारे में पता चला और मैंने मेरे भाई जो कि दिल्ली में ही रहता है से कहा कि हम डुगरी जाने के लिए ई पास बुक करते हैं, अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो हम भी डुगरी चलेंगे। तो संगत जी मैंने, मेरे भाई और मेरी बेटी ने, हमने 3 फ़ोन से डुगरी के लिए ई पास बुक किया और गुरुजी ने हमें इजाज़त दे दी डुगरी आने की। अब संगत जी हमारे पास 6 पास थे और यहाँ पर हम 5 लोग थे जाने के लिए। तभी मेरे मन में आया कि 1 पास और है तो मैं अपनी बड़ी बहन जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा था उसे भी पूछ लेती हूँ, क्या वो जबलपुर से आकर हमारे साथ डुगरी चलेगी। मैंने उसे फ़ोन किया और उसने भी हाँ कह दिया और संगत जी वो भी दिल्ली आ गई। उसे भी गुरुजी ने तत्काल में रिजर्वेशन करवा दिया और फिर संगत जी हमने 1 गाड़ी बुक की और अपनी मम्मी को भी साथ लेकर हम कुल 7 लोग 7 फरवरी 2021 को डुगरी में दर्शन करके आए। यहाँ गुरुजी ने अपने 7 नंबर से हमें ब्लेस किया। उसके बाद 2021 की शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया और पहली बार अंदर मेन हॉल में हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उस दिन मैं बहुत रोई, आंसू रुक ही नहीं रहे थे क्योंकि उससे पहले हमेशा मेन हॉल के बाहर से ही दर्शन मिलते थे लॉकडाउन में। संगत जी मेरे पास बहुत सत्संग है आपको सुनाने के लिए, या यूं कहूं कि तब से, यानी जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है मेरी पूरी लाइफ ही सत्संग बन गई है। तो मैं आप लोगों के साथ अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी आगे भी। संगत जी अगर सत्संग में मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।